भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। वहीं देश में लगातार दूसरे दिन आज 3 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड नए केसेस सामने आए हैं, साथ ही मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा मामले सामने आने के साथ एक्टिव केसेस का आंकड़ा 24,28,000 के पार पहुँच गया है, जबकि बीते 24 घंटे में 2,263 कोरोना मरीजों के दम तोड़ने के साथ इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,86,920 हो गई है। कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ ही लोगों के दिलो दिमाग में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब न मिलने के चलते आम जनता को कोरोना की जाँच के नाम पर ही डर लगता है। इस रिपोर्ट में हम आपको टेस्ट से लेकर रिजल्ट तक के बारे में बताने वाले हैं कि जब आप कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल जाएंगे तो आपको किस प्रोसीजर से गुजरना होगा, अस्पताल जाने पर कैसे होती है कोरोना की जांच। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड लेकर कोविड स्क्रीनिंग सेंटर जाना पड़ेगा, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन में आपसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको जाना है कोविड-19 कलेक्शन सेंटर पर, जहां पर आपकी RT-PCR जांच होगी। सबसे पहले तो वो पेशेंट ने तो किसी ओपीडी में आएगा, जनरल ओपीडी में, अगर उसको खांसी बुखार की दिक्कत है और उसको डॉक्टर उसको लगेगा कि डाउट लगेगा कि कोविड हो सकता है, तो फिर उसको स्क्रीनिंग में जांच के लिए अप्लाई करेगा। अपने 70 नंबर लैब के अंदर जो डायलिसिस यूनिट है वहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए स्टाफ लग रहा है, तो उनका वो पूरा बायोडाटा लेगा और उसके बाद उनको वो अपने कोरोना जो लैब है वहाँ से जाँच करेंगे। जाँच से पहले जो OPD डॉक्टर है जो बैठता है, जैसे मेरे संपर्क में आया वो कमर डॉक्टर, तो जो भी एक क्लिनिकली उसको देख के अपनी मेडिसिन लिख देगा। ऐसा भी नहीं है कि जब तक जाँच नहीं है जब तक उसको अपन वेट करते रहेंगे भी जाँच आने में मेडिसिन लिखेंगे, तो फर्स्ट एड जो डाउटफुल मेडिसिन से जो इसमें कोरोना के अंदर भी यूज़फुल है तो कॉमन मेडिसिन उसको लिख के भेज देगा। अगर पॉजिटिव आता है पेशेंट तो दोबारा आता है, तो जैसे वो मेरे संपर्क में आता है, नहीं इतना आजकल सबका अपडेट हो गया है कि कोविड का क्या प्रोटोकॉल होता है, फिर उस पेशेंट को देखेंगे सीरियसनेस कितनी है। अगर पेशेंट आपको लग रहा है कि ठीक है तो जो भी एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जो मेडिसिन है हमारे पास, जो भी एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको हम सलाह देंगे कि मेडिसिन हो और घर आप जा सकते हो, क्वारंटाइन हो जाओ। तो अगर वो कहता है कि पेशेंट, फिर उसको एक सलाह और देंगे कि आपको अगर घर जाने के बाद में दिक्कत आती है तो आप तुरंत दोबारा संपर्क करें। जब भी कोई व्यक्ति किसी वायरस का शिकार होता है तो उसके शरीर में उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनती है। रैपिड टेस्ट में उन्हीं एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र ने वायरस को बेअसर करने के लिए एंटीबॉडी बनाई है या नहीं। ऐसे में जिन लोगों में कोरोना के संक्रमण के लक्षण कभी नहीं दिखते उनमें भी ये आसानी से समझा जा सकता है कि वो संक्रमित हैं या नहीं, या पहले संक्रमित था या नहीं। कैसे होती है जांच? सबसे पहले लिया जाता है कोरोना संदिग्ध से सैंपल। ये नमूना खून, प्लाज्मा या सीरम के रूप में हो सकता है। फिर रैपिड टेस्ट किट में डाली जाती है बताई गई जगह पर सैंपल की तय मात्रा। फिर टेस्ट किट में रक्त नमूने के ऊपर डाली जाती है केमिकल की 3 बूंदें। ठीक 10 मिनट के बाद टेस्ट किट में परिणाम सामने आ जाता है। कैसे देखते हैं परिणाम? नेगेटिव परिणाम। अगर रैपिड टेस्ट किट पर सिर्फ एक गुलाबी लाइन सी उभरती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति नेगेटिव है। पॉजिटिव परिणाम केवल M। अगर किट पर C और M गुलाबी लकीरें उभरती हैं तो मरीज IgM एंटीबॉडी के साथ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव परिणाम केवल G। अगर किट पर C और G गुलाबी लकीरें उभरती हैं तो मरीज IgT एंटीबॉडी के साथ पॉजिटिव है। पॉजिटिव परिणाम G और M। अगर किट पर G और M दोनों गुलाबी लकीरें उभरती हैं तो व्यक्ति IgG और IgM एंटीबॉडी के साथ पॉजिटिव है। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या होता है? अगर रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हो सकता है कि व्यक्ति कोविड-19 का मरीज हो। ऐसे में उसे घर में ही आइसोलेशन में रहने या अस्पताल में रखने की सलाह दी जाती है। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर उसका रियल टाइम PCR टेस्ट किया जाता है। रियल टाइम PCR टेस्ट में पॉजिटिव आने पर अस्पताल या घर में आइसोलेशन में रखा जाता है।
वहीं रियल टाइम पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने पर माना जाता है कि उसमें कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से एच एन पांडे की रिपोर्ट।